आपने शांति का बोला था, मैंने वो गारंटी दी थी, गारंटी है कुछ नहीं होगा, पूरे शहर में हुड़दंगी हुई, हुड़दंग गुंडागर्दी की गई है, लोगों को परेशान किया गया, बहुत गलत है, आप रिस्पॉन्सिबल, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीजिए आप, आपने गारंटी ली थी। आप अभी ये पुलिस को संभालो, मैं तो संभाल रहा हूँ, मेरा काम है वो, आप मत चिंता कीजिए, लेकिन नहीं बिल्कुल मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं, विधायक जी आपने गलत किया। जीतू पटवारी जी वही है जिनको पुलिस कह रही है कि सर आप पर तो हमने विधायक जी विश्वास किया था कि आप लोगों को समझाएंगे, आप लोगों को और भड़का रहे। मेरा पिछला इतिहास आप अंजना देखेंगे, एक FIR मेरे किसी पे नहीं की, मुझ पे किसी ने नहीं की, इतिहास कोई शिकायत मेरे प्रति ऐसी व्यक्तिगत वर्तमान अंजना देखिए अपनी की जीतू अंजना, आप जिस तरीके से आपने आपको जीतू पटवारी आज अपना इतिहास बताना पड़ रहा है साक्ष के रूप में, हम तो वो साक्ष्य देख रहे हैं जो वीडियो में है, पुलिस वाला आखिर किस वजह से पर्सनली आप पर हमला कर रहा है, क्यों हमला करेगा वो आप क्या देखा, वो क्यों कह रहा है कि आपने लोगों को भड़काया है। सरकार की सोची समझी साजिश के तहत अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, न अपना जो जो कर्म था उसको ढंग से नहीं निभा पाए मुख्यमंत्री, इस नाते उस पूरे प्रोग्राम को डाइवर्ट कैसे करें। आप पूरे वीडियो को शिवराज सिंह चौहान ने उस पुलिस वाले को फोन करके कहा, संभालो, अरे पटवारी जी बाद में कर लेंगे, अरे पटवारी जी थोड़ा तो सेंसिबल बात कीजिए, उनकी सरकार शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारी को फोन किया कि भिड़ो जीतू पटवारी से, आप सेंसिबल बात करें अंजना जी, आप मेरे सवाल का जवाब दें, आप इधर से उधर भाग रहे हैं, मुद्दा क्या आप, है आप ये साबित कीजिए कि पुलिस अधिकारी को आपसे क्या रंजिश थी। अगर मुझे हिंसा करवानी होती जिस जगह पे ये विवाद हुआ, ये जो बातें हुई, यहाँ 10,000 लोग थे, करता तो उस समय करता, 3 घंटे बाद सब जनता चली गई, केवल 150 लोग बचे, उसमें मैं हिंसा कराऊंगा। आप थोड़ा सा सेंसिबल समझने की कोशिश करें, जो 50-100 लोगों से ही हिंसा होती है, 50-100 लोगों से ही हिंसा होती है।